क्या होगा जब स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में 50,000 या 50,000 से ज़्यादा जमा करें। क्या हम 50,000 से ज़्यादा स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा कर पाएंगे कि नहीं जमा कर पाएंगे। क्या हमारा पैसा फंस जाएगा अगर 50,000 से ज़्यादा जमा करें। तो यहाँ पर इस प्रकार की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे कैसे जमा किया जाता है, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एटीएम पर आपको इस प्रकार से स्टेट बैंक का एटीएम डिपॉजिट मशीन यानी पैसे जमा करने वाली मशीन मिलेगी। इस एटीएम डिपॉजिट मशीन के नीचे यहाँ पे देखिए ये एक बॉक्स बना होता है जो पैसे डालते वक्त ओपन हो जाता है। और इस एटीएम डिपॉजिट मशीन के पूरे स्क्रीन पर आपको यहाँ पे देखिए कॉर्नर पर एक ऑप्शन इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है कार्डलेस डिपॉजिट का। तो पैसे जमा करने के लिए आपको इसी कार्डलेस डिपॉजिट के ठीक सामने वाला बटन आपको दबा देना है। दबाते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिए लिखा हुआ प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी। आप किस भाषा में आगे सारा प्रोसेस करने वाले हैं आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज चुनेंगे। जैसे मैं इंग्लिश में सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ तो मैं इंग्लिश के ठीक सामने बटन दबा दिया। दबाते ही इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा, देख ली लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको कोई भी अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है। यह ज़रूरी नहीं यह मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, कोई भी एक मोबाइल नंबर अपना डाल के इफ़ करेक्ट के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाते ही आपके सामने इस प्रकार से आएगा, देखिए लिखा हुआ प्लीज सिलेक्ट अकाउंट टाइप। यहाँ पे देखिए सभी प्रकार के अकाउंट टाइप आपको दिखेंगे, ज़्यादातर सेविंग अकाउंट होता है तो आप सेविंग अकाउंट के ठीक सामने बटन दबा देंगे। दबाते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा, देखिए लिखा हुआ प्लीज इंटर 11 डिजिट बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है यह अकाउंट नंबर सिर्फ स्टेट बैंक का ही होना चाहिए, किसी दूसरे बैंक का अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है, पर स्टेट बैंक का ही होना चाहिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद इफ़ करेक्ट के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाते ही आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दिखता है और अकाउंट होल्डर का नाम यानी किसके नाम से अकाउंट अकाउंट है उस अकाउंट होल्डर का नाम दिखता है। और यहाँ पे कितने पैसे आप जमा कर सकते हैं एक बार में यहाँ पे आपको दिखता है। और यहाँ पे यस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल चेक कर लें, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर। अगर सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे सही दिख रही है तो आपको यस के ठीक सामने बटन दबा देना है। दबाने के बाद आपके सामने देखिए ये बॉक्स, जैसे मैं बताया था ये बॉक्स ओपन हो जाता है, ये देखिए ये बॉक्स ओपन हो गया है। अब आप जो भी पैसे जमा करना चाहते हैं उस पैसे को इस बॉक्स के अंदर आपको डालना होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, आप इन सभी नोटों को जमा कर सकते हैं इस एटीएम डिपॉजिट मशीन से। जैसे मैं 50,000 रुपये एक बार में जमा करना चाहता हूँ तो जैसे यहाँ पे देखिए ये 50,000 रुपये मेरा 500 का है, पूरा टोटल 500 रुपये का नोट है। अब यहाँ पे देखिए मैं सारा 50,000 रुपये पूरा अपना यहाँ पे देखिए 500 रुपये का जो नोट है पूरा डाल दिया। डालने के बाद इस प्रकार से डाल देंगे आप भी, डालने के बाद इंटर जो लिखा हुआ है उसे ठीक सामने बटन दबा देंगे। दबाते ही बॉक्स बंद हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ एटीएम मशीन के स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा प्लीज़ वेट। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है क्योंकि ये एटीएम डिपॉजिट मशीन आपके पैसे को काउंटिंग करती है कितना आपका पैसा है। काउंटिंग करने के बाद अब आपको एटीएम डिपॉजिट मशीन के स्क्रीन पर यहाँ पे देखिए ये एटीएम डिपॉजिट मशीन इस प्रकार से अगर आपको दिखाती है प्लीज़ रिमूव योर कैश, तो यहाँ पे आपको जो पैसा आपने डाला है तो कुछ पैसा आपका अगर आप वापस आ जाता है तो इस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स ओपन हो गया था, यहाँ पे देखिए ये 500 रुपये का जो नोट है कुछ नोट हमारे वापस आ गए हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे अब आपको एटीएम मशीन के स्क्रीन पर जो भी पैसा आपका चला जाता है रिसीव कर लेती है एटीएम डिपॉजिट मशीन, यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे 500 रुपये का नोट 93 नोट था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 48,500 रुपये मेरा चला गया है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप कंफर्म
के ठीक सामने बटन दबाएंगे तो ये पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड कैश के ठीक सामने बटन दबाएंगे तो जो भी पैसा अगर आपका रिवर्स आ जाता है उस पैसे को आप डाल सकते हैं। जैसे मैं ऐड कैश के ठीक सामने बटन दबा दिया, दबाने के बाद देखिए अब ये इस पैसे जो पैसा मेरा वापस आ चुका है उस पैसे को मैं एक बार फिर से डाल के ट्राई करूँगा कि ये पैसा मेरा दोबारा से जाता है कि नहीं जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो पैसा अगर आपका वापस आ जाता है इस प्रकार से आपको दोबारा डाल देना है। डालने के बाद इंटर के ठीक सामने बटन दबा देना है। देखिए ये बॉक्स फिर से बंद हो गया है। अब मैं बताना चाहूँगा जो भी पैसा आपका जो पहले जमा किए अभी जो पैसा डालेंगे वो सारा पैसा अभी आपके अकाउंट में नहीं जाता है, वो पैसा अभी एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए आपके सारे पैसे को फिर से एक बार जो दोबारा डालेंगे इस प्रकार से आपको काउंटिंग करेगी। काउंटिंग करने के बाद आपको एटीएम मशीन की स्क्रीन पर जो है ये एक बार फिर से देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अगर आ जाए तो यहाँ पे देखिए फिर से दोबारा मैंने जो पैसा डालने का प्रयास किया वो पैसा नहीं गया, दोबारा से हमारा वापस आ गया है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मेरा 3 ही नोट वापस आया। अब इसे मैं दोबारा नहीं डालूँगा क्योंकि इसका रीज़न है पैसे फंस सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरा जो पहले 93 नोट था यहाँ पर देखिए बढ़ गया है, यहाँ पर टोटल 48,000 हो गया। अब यहाँ पर अगर कंफर्म के ठीक सामने बटन दबाएंगे तो यह पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। चलिए मैं कंफर्म के ठीक सामने बटन दबा दे रहा हूँ। दबाने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे देखिए यह जो पैसा है आपके अकाउंट में अब यहाँ पे एटीएम डिपॉजिट मशीन ट्रांसफ़र कर रही है, यानी आपके अकाउंट में डाल रही है। डालने के बाद आपको पूरा ये जो भी पैसा है आपका तुरंत आपके अकाउंट में ये एटीएम डिपॉजिट मशीन ट्रांसफ़र कर देती है। करने के बाद आपको एटीएम डिपॉजिट मशीन एक रिसिप्ट भी निकाल के देती है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको एक पावती यानी रिसिप्ट एटीएम डिपॉजिट मशीन से निकल के आ जाती है। ये रिसिप्ट ही देखिए इसमें आपको आपका जितना पैसा आपने जमा किया है वो आपका पूरा पैसा अकाउंट नंबर ये और टाइम डेट सारी चीज़ें इस रिसिप्ट में आपको मिलती है। आपको इस रिसिप्ट को संभाल के रखना है, तब तक रखना है जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए, आप चेक ना कर ले आपका आप जो पैसा जमा किए आपके अकाउंट में पहुँच चुका है, तब तक आपको इस रिसिप्ट के संभाल को रखना है। चाहे आप अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट चेक कर लें, दूसरे अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं तो उस अकाउंट हो का पैसा चेक कर लें। अब यहाँ पे देखिए आपको इस रिसिप्ट को संभाल के रखना है। और एटीएम मशीन के स्क्रीन पर भी अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है तो इस प्रकार से लिखा हुआ भी आ जाता है कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी पूरा हो चुका है। देखा मैंने स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में एक बार में 48,000 कुछ रुपए तक जमा करके मैं आपको दिखाया। अब जिनको स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा करना नहीं आता है वो इसी प्रकार से सीख सकते हैं जैसे आपने हमारा वीडियो देखा। तो यहाँ पे अब बात आती है क्या हम स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में एक बार में 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा जमा कर पाएंगे कि नहीं जमा कर पाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप स्टेट बैंक के एटीएम मशीन के स्क्रीन पर लिखा हुआ देखे थे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ था आप स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से एक बार में 49,900 रुपये तक ही जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये सेटिंग स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर लगी हुई होती है। यहाँ पे आप 49,900 रुपये तक ही आप एक बार में अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह सेटिंग इसलिए लगी हुई होती है, क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं अगर किसी बैंक अकाउंट में अगर पैन कार्ड लिंक नहीं होता है तो उस बैंक अकाउंट में आप एक दिन में 49,900 रुपये तक ही जमा कर सकते हैं, यानी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जमा कर सकते हैं। इसी कारण से आपको एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जैसा कि ये उन लोगों के लिए है जिनके बैंक अकाउंट में लिंक जो पैन कार्ड है लिंक नहीं है, उन लोगों के लिए है। अगर जिनके बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक है तो वो 49,000 रुपये से भी ज़्यादा जमा कर सकते हैं, जैसे 1,00,000 रुपये तक ही जमा कर सकते हैं, यहाँ उससे भी ज़्यादा जमा कर सकते हैं अगर किसी का करेंट अकाउंट है। तो यहाँ पे अब आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने देखा मैंने 50,000 रुपये डाला एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर, तो वहाँ पे मेरा कुछ नोट वापस आया था। यहाँ पे मैं उस नोट को दोबारा डाला जो वापस आया था। तो यहाँ पे आप इस प्रकार की गलती ना करें। आपको अगर
डालना है दोबारा, तब दोबारा एक ही बार ट्राई करें। बार बार अगर आपका नोट वापस आ रहा है, एटीएम डिपॉजिट मशीन रिसीव नहीं कर रही है, अगर बार बार आपको एटीएम डिपॉजिट मशीन आपके पैसे को वापस निकाल के दे रही है, तो आपको उस पैसे को बार बार ऐड का ऑप्शन दबा के बार बार एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि आपका पैसा इससे फंस सकता है। अगर पैसा फंस जाता है तो आपका पैसा तो मिलता है, पर यहाँ पे आपको टाइम लगता है। तो यहाँ पे यही सारी जानकारी थी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है अगर आपके मन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।